हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। तो मैं एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ में। तो गाइस, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक बेहतरीन इवेंट के बारे में, जिसमें हमें फाइनली 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 देखने को मिल रहे वाली है M1887 की गन स्किन। तो यस, फाइनली गाइस, खुशखबरी M1887 यूजर्स के लिए। तो लो, आ गई तुम्हारी गन स्किन। तो यार, वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हो और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहता हूँ, फ्री फायर से रिलेटेड सारी अपडेट्स मैं देता रहता हूँ। तो चलिए चलते सीधे वीडियो पे। तो देख सकते हो यार, रोल द डाइस करके एक इवेंट आया, जिसमें हमें देखने को मिल रही है M1887। बहुत लोग इसके मतलब डेस्परेटली वेट कर रहे थे, तो फाइनली गरीना ने दे ही दी इंडियन सर्वर में। बट देख सकते हो यार, वेपन रॉयल में नहीं है, किसी और ही इवेंट में आई है, और दूसरे इवेंट में आने का मतलब है ढेर सारे डायमंड्स, सीधी सीधी बात। तो मैं आपको इसका पूरा डिटेल्स देने वाला हूँ कि आप कैसे गन स्किन निकाल सकते हो, क्या क्या इसमें मतलब स्टेप्स है इस गन स्किन को निकालने के लिए। तो वीडियो के एंड तक यार रुकना है ना, मिस मत कर देना। तो चलिए इवेंट के अंदर चलते। तो सबसे पहले ये बैनर ही है जहाँ से अभी तक एक्सेस पॉइंट है, कहीं और से इसका एक्सेस पॉइंट बना नहीं है। तो ये बैनर से ही मैं जा रहा हूँ अंदर, हो सकता है आप जब तक चेक करो कहीं और से इसका एक्सेस पॉइंट आ जाए। तो मैं बैनर से ही अंदर जा रहा हूँ इवेंट में। तो यार, बड़ा खुशी हो रही होगी M1887 वालों को कि उनकी गन स्किन आ गई फाइनली। तो देख सकते हो गाइस, ट्रॉपिकल पैराडाइज गन स्किन का नाम है, सिंगल डैमेज है, सिंगल एक्यूरेसी और रेंज माइनस है। तो ओवरऑल बात करूँ तो ओके ओके एट्रीब्यूट्स लगे मुझे, कोई ऐसा इतना ज़्यादा कोई फैक्टर लग नहीं रहा कि ओवर पावर्ड हो जाएगी, ठीक है, बैलेंस फैक्टर ही है। तो सबसे पहले हम बात करी जाए कि इस इवेंट के बारे में। तो देख सकते हो, ये कालाहारी मैप है, ये कुछ डॉट्स बने हुए हैं कलरफुल, और फाइनली आपको एक बड़ा सा क्रेट देखने को मिल रहा है। तो ये बेसिकली है ट्रेजर चेस्ट। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि रिवॉर्ड्स क्या क्या हैं, गन स्किन तो है, उसके अंदर क्या क्या मिल रहे हैं। तो इधर देख सकते हो आप लोग, यहाँ कुछ गन क्रेट देखने को मिलेंगे, बॉन्डी टोकन है, स्कैनर है, पैट फूड है, और कुछ बंडल्स के चीज़ें हैं, मतलब टॉप है, हैट है, शूज़ हैं, मेल फीमेल के, वैसे शायद मेल के ही हैं, और भी गन स्किन के क्रेट्स हैं। तो मतलब आप देख सकते हो, कितने भी डायमंड आप लगाओगे ना, एक स्पिन करो या पाँच स्पिन करो, आपको गारंटीड है कि उतने ही प्राइस का रिवॉर्ड तो आपको मिल ही जाएगा। तो सबसे पहले बात करी जाए कैसे इसमें पार्ट कर लेना है, कैसे हमको गन स्किन निकाल सकते हैं। तो हर इवेंट की तरह इसमें भी दो टाइप के स्पिन हैं या रोल्स बोल सकते हैं, क्योंकि अपन को डाइस रोल करना है। तो एक रोल है 20 डायमंड का, 5 रोल है 90 डायमंड्स के। और अभी आपको जो मैं दिखा रहा हूँ वो है ये मेन रिवॉर्ड्स जो आप उस ट्रेजर चेस्ट से क्लेम कर पाओगे। तो सबसे ऊपर हमें देखने को मिल रही है गन स्किन, जिसके लिए हमें 5 ट्रेजर चेस्ट चाहिए। उसके अलावा बंडल्स वगैरह, जिसके लिए 4-3 गोल्डन मर्ग जीप की जो स्किन है वो भी इसमें अवेलेबल है, जिसके लिए हमें 3 क्रेट चाहिए, एक मून फ्लिप वाला इमोट, उसके लिए 2 क्रेट चाहिए, और एक बैकपैक है जिसके लिए 1 क्रेट से ही काम हो जाएगा। बट जो गन स्किन है उसके लिए गाइस 5 ट्रेजर क्रेट चाहिए या ट्रेजर चेस्ट चाहिए, आपको मैं क्लियर कर दूँ। तो अब बात कर लीजिए रोल्स की, तो 2 रोल्स अवेलेबल हैं। इधर आपको ये छोटा डाइस दिख रहा होगा, आप जैसे रोल पे क्लिक करोगे डाइस घूमेगा, डाइस के ऊपर जो भी नंबर आएगा 1, 2, 3, 4, 5 से, उतने ही स्टेप ये आपकी जो एलाइट के लिए ना ये आगे बढ़ेगी। तो आप देख सकते हो 6, अगर 6 नंबर आता तो आप आ जाओगे ये क्रेट पे। तो आपको क्रेट पे अगर रुकना है, ऐसा नहीं है कि उस पर स्टेप करके आगे चले जाना, नहीं, क्रेट पे अगर रुकोगे तब जाके वो आपको ट्रेजर क्रेट मिलेगा। तो मैं आपको पहले कुछ रोल्स करके दिखा देता हूँ, ज़्यादा रोल्स नहीं करूँगा, मेरे को पता है कि आप लोग चाहते हो मैं डायमंड वेस्ट करूँ। तो चलो पहला रोल करता हूँ मैं, तो जो सिंगल रोल है 20 डायमंड के, तो 20 डायमंड का ही रोल करूँगा क्योंकि ज़्यादा डायमंड है नहीं मेरे पास। तो देख सकते हो डाइस रोल हो रहा है और मेरा नंबर पर आया 4। तो देख लो 4 स्टेप आगे आ गई, और मुझे इसमें भी रिवॉर्ड मिला कि P90 का बॉक्स मिला मुझे। तो देख सकते हो आप लोग, हर कहीं पर भी आप लाइन करोगे आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। तो मेरे पास अभी भी 36 डायमंड बचे, तो मैं एक और स्पिन मार सकता हूँ। मुझे तो पता है आप लोग डेस्परेटली चाहते हो, तो पहले सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद ही मैं डायमंड खर्च करूँगा, ठीक है ना, सब्सक्राइब कर लो जाके। तो मैं सेकंड स्पिन मार रहा हूँ और अब आया 3 आया, तो वापस से मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया और मुझे मिला है स्कायर का गन बॉक्स। तो देख सकते हो आप, जहाँ पे भी लैंड करोगे ना आपको कुछ ना कुछ डेफिनेटली मिलेगा, और आप ऐसे ही गोल 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 घूमते रहोगे। तो इसी के बीच में आपको इस क्रेट पे आके रुकना है, जब इस क्रेट पे आके रुकोगे तो आपको एज अ रिवॉर्ड ही क्रेट ही मिलेगा। तो ऐसे आपको यहाँ पर 5 बार आके रुकना है, तब जाके आपको ये गन स्किन आप क्लेम कर पाओगे। और अगर बेसिकली बात करूँ तो कितना डायमंड लग सकता है, तो 1000 के नीचे तो बात ही मत करना, ठीक है, 1000 डायमंड एटलीस्ट। बट आपको यार 1000 डायमंड के साथ साथ तो उसके वैल्यू की चीज़ें भी मिल जाएंगी, एंड में गन स्किन भी मिल जाएंगी। तो जिनको चाहिए ही चाहिए ना गन स्किन, तो उनके लिए कोई बैड डील नहीं है, हो सकता है कि दूसरे क्रेट में से भी कोई और परमानेंट गन स्किन निकल आए, क्योंकि मुझे पता है यार बहुत सारे क्रेट मिलेंगे, क्योंकि इतना इजी नहीं है यार इस चेस्ट पे आके रुकना,
ये पहले भी ऐसा इवेंट आ चुका है, उसी के थोड़ा सा तोड़ मोड़ के नया रूप दे दिया गरीना ने। तो जब तक आपके पास 5 क्रेट, मतलब अगर आपको गन स्किन चाहिए तो 5 क्रेट नहीं हो जाते तब तक आप ऐसे ही गोल 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 घूमते रहोगे, क्योंकि यही है यार, ऐसे ही करके आप वो क्रेट ले पाओगे। आपको किस्मत का खेल है पूरा, मतलब लक बेस्ड है कि कभी भी आप वो क्रेट पा के रुक जाओ, कभी भी ऐसे नंबर आपको डाइस पर आ जाए कि आप वो क्रेट पर पहुंच जाओ। तो यही था ये इवेंट का बेसिक रूल, आपको बस खेलते रहना, डायमंड बेस्ड ही है पूरा का पूरा ये इवेंट। तो यार वीडियो को ही रैप अप करते हैं, होपफुली आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई करूंगा। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये इवेंट कैसा लगा। सो गाइस बाय बाय।